इंडियन आर्मी को समझ आ गया है कि T-90 और T-72 टैंक्स हल्के T-15 टैंक्स का पहाड़ी इलाकों में सामना नहीं कर सकते, तो इन चाइनीज T-50 टैंक्स से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने एक टेंडर निकाला 350 25 टन से कम वजनी टैंक्स का। साथ ही साथ रखा कि सारे टैंक्स मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। पिछले हफ्ते दिए इस टेंडर में एक कंपनी सामने आ रही है जो कि है साउथ कोरिया की हानवा डिफेंस। हानवा डिफेंस ने एक प्रपोजल सामने रखा, उनके पास K-21 नाम का एक इन्फेंट्री व्हीकल है, यानी सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला टैंक जैसा मजबूत व्हीकल। उन्होंने प्रपोज किया कि हम 105 mm का एक गन इसके ऊपर बिठा देंगे, जिसके वजह से आपको इस व्हीकल का मोबिलिटी भी मिल जाएगा और इस गन का ताकत भी मिल जाएगा। साथ ही सैनिकों के बैठने के लिए जो एक्स्ट्रा जगह है उसमें अलग तरह के